तो ये कितने हमारी व्यक्तित्व के कितने आयाम मैंने बताए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। दो और आयाम हैं जो हायर डायमेंशन है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जो महात्मा बुद्ध वगैरह के पास थे, उनका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय की कमी है। तो मित्रों, समय आ रहा है, भारत का आध्यात्मिक विकास होना है, ये बात मैंने